क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 9.3 फाइंड द टर्म, फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी, ना कि एपी है अबकी बार, अबकी बार जीपी है। तो 20th टर्म क्या होगा आपका, T20 इक्वल टू ए आर टू द पावर 19। ए क्या है आपका 5/2 है, और फिर आपका आर क्या है सक्सीडिंग अपॉन प्रिसीडिंग 5/4 अपॉन 5/2, ये आपका आ जाएगा 1/2। तो अब बच्चों आप आराम से निकाल लेंगे, ए की वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू पता है, यहां पुट कर दीजिएगा आंसर निकल आएगा। फिर आपसे पूछा गया एनेट टर्म, एनेट टर्म क्या होगा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ए की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है ए आर टू दी पावर 11 की वैल्यू फाइंड करनी है, हूज 8th टर्म इज 192। आंसर टू, 8th टर्म हमको गिवन है यानी ए आर टू दी पावर 7 इक्वल टू 192, और एंड द कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो भी दे रखा है मुझे 2 टू दी पावर 7, कॉमन रेशियो की जगह मैंने 2 लिख दिया। 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128 इक्वल टू 192, इसको सॉल्व कर लिया 192 अपॉन 128, ये आपका 3/2 आ गया, ठीक है, इसको आपने 3/2 आ गया। अब ए की वैल्यू पता लग गई मुझे, आर की वैल्यू पता ही है मुझे, तो 12th टर्म क्या आ जाएगा आपका T12 क्या हो जाएगा ए आर टू दी पावर 11, ए की वैल्यू पता ही है मुझे 3/2, आर की वैल्यू मुझे पता है 2 है, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। द फिफ्थ एंड 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा खुद बताइए, फिफ्थ टर्म क्या है आपका पी है, फिफ्थ टर्म क्या लिखोगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन रेशियो बी आर, तो ए आर टू द पावर 4, ठीक है, टी 8 क्या होगा ए आर टू द पावर 7, और टी 11 क्या होगा ए आर टू द पावर 10 इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू एस यहां पे एस सिंबल है बच्चों, क्योंकि नहीं तो मिक्स हो जाएगा कॉमन रेशियो और ये सिंबल सेम हो जाएगा, पी क्यू एस। अब कह रहा है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, तो क्यू स्क्वायर कर देता हूं मैं इक्वल टू पी एस ए आर टू द पावर 4 इंटू ए आर टू द पावर 10, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया, यहां पे क्या हो गया आर टू दी पावर 14 हो गया, यहां पे ए स्क्वायर हो गया आर टू दी पावर 14 हो गया, ये तो इक्वल आ रहा है, यही शो करना था, यही शो करना था, सॉरी यही शो करना था, हमारा शो हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, तो आंसर 4 देखते हैं, ए की वैल्यू तो -3 दे रखी है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा ए आर क्यूब इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, ठीक है भाई, ए की वैल्यू -3 है, ए की जगह -3 रख देता हूं मैं, तो ये पहले आप लिख लीजिए, ये लिखा तो यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया आपका, ये आपका आर आ गया, ये आपका ए आ गया, आर इक्वल टू ए आ गया बच्चों, यानी ए की वैल्यू भी -3 हो गई और आर की वैल्यू भी -3 हो गई, ठीक है, आने दीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद सेवन टर्म क्या होगा, सेवन टर्म ए आर टू दी पावर 6, ए की वैल्यू जो है -3, आर की वैल्यू -3 की पावर 6, तो ये -3 की होल पावर 7 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5, लॉजिक सब कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही है, बस यहां पे जीपी है, विच टर्म ऑफ द गिवन, वो कह रहा है कि 128 कौन सा टर्म होगा, कौन से नंबर पे आएगा, यानी एन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये क्या हो गया एनथ टर्म हो गया आपका 128 इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है भाई, 120 ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2 और आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आपकी √2, ये आपका आ जाएगा, ये आपका 2 की पावर 7 होगा, डिवाइड करेंगे 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन 2, यानी कि एन माइनस वन अपॉन 2 इक्वल टू 6, यानी कि एन इक्वल टू 12 प्लस 1 13, एन इक्वल टू 13 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स -2/7 एक्स -7/2 आर इन जीपी, वी नो दैट ए बी सी आर इन जीपी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2, ये तो प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका 1 आ गया, तो यानी x इक्वल टू +-1, ये आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में आपको सम निकालना है एन टर्म्स का, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को चूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी आंसर 9 को मैं बताता हूं, फाइंड द सम दिस अप टू एन टर्म्स। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग आर निकाल लेते हैं। तो आर क्या होगा आपका, आर क्या होगा, सक्सीडिंग माइनस ए अपॉन प्रिसीडिंग टर्म ए, ये कितना आ रहा, माइनस ए। अब आपसे कह रहा है ए की वैल्यू माइनस वन नहीं है, यानी कि ये आर की वैल्यू आपकी आर इक्वल टू माइनस ए आया, ए की वैल्यू जो है माइनस वन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपकी जो है माइनस से मल्टीप्लाई यानी वन से कम होगी इसकी वैल्यू, माइनस ए जो होगा वो लेस देन वन होगा। अब आर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, वन से कम आ रही है, तो इसका मतलब यहां फार्मूला कौन सा रहेगा, एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, लगा दीजिए फार्मूला। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है ए, वन माइनस आर की वैल्यू क्या है, माइनस ए की पावर एन अपॉन वन माइनस माइनस ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, वन प्लस ए आ जाएगा वन, बस ये आप ऐसे लिख करके अपना आंसर छोड़ दीजिए, यही आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इवेल्युएट करना है सिग्मा, समेशन है के इक्वल टू 1 to 11 विद इन ब्रैकेट 2 + 3 to the power k, आपको इवेल्युएट करना है आंसर 11 सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 to the power k। सबसे पहले तो के इक्वल टू ये सबसे पहले आप यहां पे लगाओ, पहले इसमें लगाओ समेशन, तो ये 2 + 2 + 2 up to 11 टर्म्स ये आ जाएगा आपका प्लस। अब यहां आ जाओ आप लोग, यहां रखो 1 3 आएगा, 2 रखो 3 रखो, तो अप टू 11 टर्म्स यानी कि क्या आएगा आपका 3 की पावर 11। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, ये क्या होगा 2 × 11 हो जाएगा, ये यहां क्या होगा, कितने टर्म है ये आपके कुल मिला के कितने टर्म है, 11 टर्म है। तो फॉर्मूला लगाइए a r की पावर, r क्या है आपका 1 से बड़ा है, तो 3 आ जाएगा r, r टू द पावर n यानी 3 की पावर n, n क्या है हमारा 11 है, 11 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा आपका, 22 + 3/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज, यहां पर आपको सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स भी दे रखे हैं और प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो फर्स्ट 3 टर्म मैंने आपको बताया था आंसर 12, मैंने कहा था a बाई आर ए ए आर, ये आपको मैंने बताया था सम के लिए मेरे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जीपी के। और प्रोडक्ट क्या है, a बाई आर ए ए आर, ये 1 है, तो ये तो कट गया, तो यानी a क्यूब इक्वल टू 1 यानी a इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब a की जगह 1 रख दो ऊपर, 1 by r plus 1 plus r = 39/10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार r की वैल्यू 2/5 आएगी और एक बार r की वैल्यू 5/2 आएगी। बस अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू आपको पता ही है, वी नो दैट a की वैल्यू मुझको पता ही है 1 है, तो आप क्या काम करिए, कॉमन रेशियो पूछा गया है, कॉमन रेशियो ये तो ये आएगा, एक ये आएगा। अब आपसे पूछा गया है एंड द टर्म्स, टर्म्स क्या होगा, वी टेक, इफ वी टेक आर इक्वल टू 2/5 तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए बाई आर है, तो ए क्या है 1, आर क्या है 2/5, तो 2/5 नीचे रहेगा, 5 ऊपर आ जाएगा। फिर दूसरा टर्म क्या होगा, ए क्या है 1, ए आर ए आर 1 × r 2/5, ये तो आपका पहला हो गया। अगर आप लेते हो इफ वी टेक r इक्वल टू 5/2 तो क्या आएगा, पहला a बाई आर 2/5/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 आएगा, a तो 1 आएगा और उसका ए आर क्या आ जाएगा, इनका 5/2 × 1 5/2 आएगा, ये आपका बन जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी 3 3² 3³ आर नीडेड टू गिव द सम 120, तो आंसर 13 देखते हैं हम लोग। आपको पता है कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स यानी एन निकालना है मुझको, और जीपी दे रखा है यानी आर मुझे पता लग जाएगा, ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू सक्सीडिंग अपॉन प्रिसीडिंग आपकी 3 हो जाएगी, आर नीडेड टू गिव सम, सम भी पता है मुझे 120 का है, तो लगा देते हैं फार्मूला, ए आर टू द पावर एन, एन कितना है,
एन नहीं पता है मुझे, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये हो जाएगा आपका टू, इधर ले जाएगा 240 इक्वल टू अपॉन 3, 3 की पावर n माइनस 1, ये आपका हो जाएगा इतना, ये 81, 3 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर n इक्वल टू 3 टू द पावर 4, यानी n इक्वल टू 4, नोट कर लीजिए। आंसर 14, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अजीबी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अब यहां पे बेटा नेक्स्ट की बात कर दी है, अगर केवल फर्स्ट थ्री टर्म होता तो मैं ए वाई आर ए ए आर से बात कर लेता, लेकिन ये सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी बोल दिया ना, तो फिर हम लोग अपना वही जो हम लोग मानते ट्रेडिशनली वही मानेंगे, ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस टाइप से ही मानेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अजीबी ए ए आर ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5 इक्वल टू कितना आ गया 128। कह रहा डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम टू एंड टर्म्स ऑफ द जीपी, आराम से निकाल लेंगे यहां से। यहां से ऐसा काम करते हैं ए आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या आएगा, ठीक है यहां पर भी, हाँ यहां पे ए आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। यहां पे आप ए कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16, ये 1 हो गया, ठीक है। अब 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 1, जब डिवाइड करेंगे तो आर क्यूब नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है, और इक्वल टू 16 अपॉन 128, तो 16 एट जा होता है ये 128, आर इक्वल टू आर क्यूब इक्वल टू 8, यानी आर इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चों, आर की वैल्यू 2 आ गई, आर की वैल्यू 2 आ गई, तो हम लोग यहां रख देते हैं आर की, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, तो आर की वैल्यू 2 है, तो आर की वैल्यू 2 आई तो आप यहां रख दीजिए ए प्लस 2 ए प्लस 4 ए इक्वल टू 16, यानी कि 7 ए इक्वल टू 16, ए इक्वल टू 16 बाई 7 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, nth टर्म पूछा गया, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, क्या होता है a, ठीक है, r की पावर n, r क्या है हमारा 2, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है r माइनस 1 आपका यही आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ जाएगा, आंसर 15, गिवेन अ जीपी विद ए इक्वल टू 7 to 9, फर्स्ट टर्म दे रखा है 7 टर्म, यानी कि ए आर टू द पावर 6 इक्वल टू 64 दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है 7 to 9 है, ये आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है कोशिश करते हैं, आर की पावर 6 दे रखा है 64 अपॉन 7 to 9, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, ये 6 रूट हो जाएगा 64 अपॉन 7 to 9, ये आपका होगा बच्चों 3 की पावर 6 होता है ये, और ये होता है 2 की पावर 6, तो ये आपका आएगा 2 और ये आ जाएगा 3 आपका, r की वैल्यू 2/3 आ गई। अब आप लोग आराम से निकाल लेंगे, s7 का मतलब है 7 टर्म का सम, तो क्या होगा आपका, r की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, लेस देन 1 आ रही है, तो फार्मूला लगा लीजिएगा a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, सारी वैल्यूज दे रखी है बच्चों, a की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दीजिए आंसर निकाल लीजिए। आंसर 16 देखते हैं, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज माइनस 4, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज माइनस 4, ठीक है भाई ए कॉमन ले लेता हूं मैं तो ये आ जाएगा, ठीक है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगा ए आर की पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ये हो जाएगा, ठीक है भाई कोशिश करते हैं। पूछा क्या क्या गया है हमसे, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज माइनस 4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ठीक है ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ये आपका इधर आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, एक बार आर की जगह 2 रख देते हैं, जब आर की जगह 2 रखेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 3 ए इक्वल टू माइनस 4, यानी ए इक्वल टू माइनस 4/3, अगर आर की जगह मैं रखता हूं माइनस 2 तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4, यानी कि माइनस ए इक्वल टू माइनस 4, यानी ए इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है
तो फिर आप आराम से जीपी निकाल लेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार इसके अकॉर्डिंग जीपी निकाल लीजिएगा, ए आर स्क्वायर, एक बार इसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, ए आर स्क्वायर। सवाल है, इफ फोर्थ टर्म एक्स है, फोर्थ टर्म एक्स है, यानी ए आर क्यूब इक्वल टू एक्स। बच्चों यहां लिख दीजिएगा, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। टेंथ टर्म कितना है, वाई है, और सिक्सटीन टर्म कितना है, जेड है। कह रहा है कि रेस्पेक्टिव प्रूव करना है एक्स वाई जेड आर इन जी पी। तो अगर एक्स वाई जेड, इफ एक्स वाई जेड आर इन जी पी, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हो जाएगा हमारा, तो वाई स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, इक्वल टू एक्स इंटू जेड करके देखते हैं। ए स्क्वायर आर की पावर 18 आ रहा है यहां पर, यहां पर भी ए स्क्वायर आर की पावर 18 आ रहा है, ये आपका प्रूफ हो गया। थैंक यू।